राजस्थान एसओजी ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर ही आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर छापे मारकर करीब 8,000 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा कर दिया। एसओजी ने इस सोसाइटी से जुड़े 11 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया और करीब एक महीने की कड़ी जांच के बाद आखिरकार राजस्थान एसओजी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के महाघोटाले तक पहुंचने में सफल हो पाए। एसओजी ने करोड़ों रुपए के हेरफेर के मामले में वीरेंद्र मोदी, कमलेश चौधरी सहित 11 आरोपियों को हिरासत में लिया। इस जांच के दौरान सामने आया कि सोसाइटी के मुखिया मुकेश मोदी द्वारा अपनी पत्नी और परिजनों को 3 सालों में 720 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। फिलहाल एसओजी की कई टीमें इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुटी है। आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में गत वर्ष अगस्त 2018 में एक जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। उस जानकारी के आधार पर, सूचना के आधार पर एक प्राथमिक जांच की गई। प्राथमिक जांच के नतीजे के बाद दिसंबर माह में एक FIR रजिस्टर हुई थी कंपनी के खिलाफ। उस FIR का इन्वेस्टिगेशन श्री सतपाल मिढा, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, इन्होंने किया नितिन देव जी के और मामन जी के नेतृत्व में। उसके निष्कर्ष के पश्चात कंपनी सोसाइटी से संबंधित पदाधिकारी 11 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 पदाधिकारी पूर्व में ही SFO द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मूलतः जो उसके तथ्य हैं संक्षेप में, इस प्रकार हैं। सोसाइटी राजस्थान में पहले सिरोही में रजिस्टर्ड थी, उसके पश्चात उसको अहमदाबाद या गांधीनगर में शिफ्ट कर लिया गया। 2008 से इसे मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का दर्जा दिया गया। उसके बाद से तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का निवेशकों का निवेश सोसाइटी में है, जिसमें से लगभग 75% निवेश राजस्थान के निवेशकों का है। कुल मिला के निवेशकों की संख्या तकरीबन 10 लाख है और इनकी जो लायबिलिटीज़ हैं, क्यूमुलेटिव लायबिलिटीज़ हैं, जो अब तक इकट्ठा होकर बन गई हैं, वो 15,000 करोड़।